हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि आपको पता है, हम अभिषेक संजय सिंह हैं और आज हम लोग फर्दर क्वेश्चंस करेंगे एसएससी बोर्ड ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पे बेस्ड। और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री पे लास्ट वीडियो होगा, ठीक है? तो बिना कुछ टाइम ज़्यादा किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आईसीएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। आप देख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इनटू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपको बताएं प्रूफ का क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री में आपको एलएचएस लेना होता है, ठीक है? एलएचएस में जो भी लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको आप हूबहू उतार देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा हुआ। अब क्या करना है आपको कि tan थीटा और cot थीटा जो है ये sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्टेबल है, राइट? तो tan थीटा और cot थीटा जब sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्टेबल होता है तो वो चीज हम लोग पहले करेंगे। sin थीटा और cos थीटा वैसे ही रहेगा, tan थीटा जो होगा वो हो जाएगा sin थीटा by cos थीटा और cot थीटा होगा cos थीटा by sin थीटा, क्लियर? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो, sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू इसका एलसीएम हो जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा। अब cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस सेम वे cos थीटा ऊपर जाएगा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? बाय द स्क्वायर रूल दिस इज इक्वल टू 1, राइट? सो 1 बाय sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला इसके न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग जब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है? ये cos से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये sin से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो बचेगा वो होगा 1 by cos थीटा। 1 by cos थीटा का मतलब ये हो जाएगा 1 by cos थीटा प्लस 1 by sin थीटा। और 1 by cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। और 1 by sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। और वही आपको RHS में प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने जो सम्स दिया हुआ था एलएचएस को सबसे पहले उतारा और उसके बाद जो साइन और कॉस में कन्वर्टेबल उसको पहले हमने कन्वर्ट किया, उसके बाद इसे एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया। एलसीएम लेने के बाद पता चला साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एडिशन हम लोग को 1 देता है और 1 बाय साइन थीटा इनटू कॉस थीटा हुआ। फिर हम लोग क्या किए, साइन थीटा में स्प्लिट कर दिए साइन थीटा इनटू कॉस थीटा और कॉस थीटा में साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो उस हिसाब से साइन थीटा और साइन थीटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकंड वाले में cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हम लोग के पास बच जाएगा वो होगा 1 by cos थीटा प्लस 1 by sin थीटा। अब 1 by cos थीटा sec थीटा होता है और 1 by sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। तो sec थीटा प्लस cosec थीटा ये आपका आंसर आ गया, ठीक है? तो गाइस नेक्स्ट हम अपने पास 2014 का ही है और ये है sin स्क्वायर 34 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 56 डिग्री प्लस 2 tan 18 into tan 72 माइनस cot स्क्वायर 30। इसका अपने को भाग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको बस क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पे क्या है, sin स्क्वायर 34 और यहाँ पे sin स्क्वायर 56 है, किसी एक को आप cos में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हम पहले वाले को करते हैं तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री, ठीक है? क्योंकि 90 माइनस 56 34 होता है, इसीलिए हम लोग 90 माइनस 56 किए हैं। और साइन स्क्वायर 56 को हम लोग वैसे ही रहने देंगे, ठीक है? आप समझ गए होंगे कि ये कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट होगा और कॉस स्क्वायर 56 प्लस साइन स्क्वायर 56 1 आएगा, इसीलिए हम लोग इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। प्लस 2 टैन 18 डिग्री, राइट? और टैन 72 जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टैन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ये क्यों लिखेंगे, रीजन, क्योंकि tan 90 माइनस 18 होगा आपका 7, देखो 90 माइनस 18 72 होता है, इसलिए 90 माइनस 18 लिखे, ठीक है? और tan 90 माइनस 18 cot 18 होता है और tan 18 इनटू cot 18 क्या देगा आपको, 1 देगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो लास्ट वाला जो पार्ट है cot स्क्वायर 30, तो cot 30 का वैल्यू क्या होता है आप हमें बता सकते हैं?
cot 30, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है, ये होता है tan 30 का वैल्यू, तो cot 30 का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और cot square दिया हुआ है, तो √3 का क्या हो जाएगा, square हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, sin square 90 - 56, तो ये हो जाएगा cos square 56 degree, यहां पे है sin square 56 degree, करेक्ट, प्लस 2 tan 18 into cot 18 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, cos square 56 plus sin square 56 is equal to 1, राइट, प्लस 2 tan 18, अगर आप cot 18 को कन्वर्ट करोगे tan में तो ये हो जाएगा 1/tan 18, ठीक है, और यहां पे माइनस 3, ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है, आपके पास क्या बच गया 1 plus 2, 2 क्यों, 2 into 1, that is 2, minus 3, bottom of rule 1 plus 2, that is 3, minus 3 which is equal to 0, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ, तो ये चीज अपने को देखना पड़ेगा कि हम लोग जो भी कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 - 56 किए हैं, तो ये अगर हम साइन स्क्वायर 90 - 34 कर दिए होते, तो हम लोग कहीं नहीं, हम लोग फिर से उल्टा, ये उधर चला जाता, ये उधर चला, ऐसा हो जाता, सब कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता, तो कुछ हम लोग को मिलता नहीं, इसीलिए जब भी हम लोग सम्स करेंगे तो हम लोग सोच के करेंगे कि हम लोग को फायदा क्या होने वाला है, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन, व्हाई, बिकॉज इफ यू आर डूइंग द सॉल्यूशन वी वांट इट टू कंप्लीट इट एज फास्ट एज वी कैन विद इन स्मॉल स्टेप्स विद इन टू टू थ्री स्टेप्स लाइक दैट, सो वी हैव टू थिंक एंड डू, अंडरस्टूड। हेलो गाइस, सो नेक्स्ट सम अपना है 2013 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि रूट ओवर ऑफ 1 - cos A / 1 + cos A इज इक्वल टू sin A / 1 + cos A। अब ये जो सम है ना, ये हल्का सा ट्रिकी सम है, क्योंकि रूल ये कहता है कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रूट देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, राइट, रैशनलाइज में क्या कहता है रूल, कि जो नीचे वाला जो प्लस साइन होता है बीच का, उन जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 1 + cos A है तो हम लोग 1 - cos A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, लेकिन अगर हम इसको 1 - cos A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होते हैं तो ये जो RHS है ये प्रूफ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीचे में अगर हम 1 - cos A से मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b * a - b से हिसाब से ये 1 - cos² आएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा sin स्क्वायर, अपने को sin स्क्वायर sin का कुछ भी रिलेटेड जो है वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है 1 + cos A, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 + cos ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर का 1 + cos A वही रहे, ठीक है, वो चेंज ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग LHS लेंगे, रूट अंडर 1 - cos A / 1 + cos A, ठीक है, इसमें क्या करना है अपने को कि हम लोग करना है मल्टीप्लाइंग 1 + cos A न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, what we have to do, we have to multiply 1 + cos A to the numerator and to the denominator, understood, now after doing that we'll get root under of 1 - cos A into 1 + cos A divided by 1 + cos A into 1 + cos A, so अब अपने को क्या करना है कि अब देखो ऊपर में a - b और a + b आ गया, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b² that is 1 - cos² divided by this is 1 + cos A whole square, correct, and now this will be the root of this, correct, now 1 - cos² जो होता है यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, 1 - cos² जो होता है वो होता है sin² और नीचे वाला जो पार्ट है वो वैसे ही रहेगा क्योंकि उसका कुछ चेंज नहीं हो सकता है और ये रूट के अंदर है, तो अगर ये रूट के अंदर है तो जैसे ही ये रूट हटेगा इसका स्क्वायर, ये जो sin स्क्वायर है भाई 1 + cos² है, cos A का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है,
जैसे ही रूट हम लोग अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और अपने पास जो आंसर बचेगा वो हो जाएगा साइन ए बाई वन प्लस कॉस ए, जो कि आरएचएस में अपने को प्रूफ करना है। तो ये अपना प्रूफ हो गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जैसे ही हमने ट्रिक वो अप्लाई किया वो तीन स्टेप में वो सम हो गया कि इसमें क्या करना था कि रैशनलाइज नहीं करते हुए 1 प्लस cos a को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना था, और जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो जो नीचे वाला पार्ट था वो ऊपर आ गया, यानी साइन वाला पार्ट था वो ऊपर आ गया, वही अपने को RHS में चाहिए था। तो साइन स्क्वायर ए बाई वन प्लस cos a का होल स्क्वायर का जब हम लोग रूट करेंगे तो साइन ए बाई वन प्लस cos a आता है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये कहता है कि आपको प्रूफ करना है कि tan स्क्वायर थीटा बाई sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। सो LHS लेते हुए आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड पार्ट वाला पूरा पार्ट उतारना है एज इट इज, और फिर अपने को पता है कि tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा, सॉरी हाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, करेक्ट, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा 1 इस तरफ आएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और ये जो होगा ये डिवाइड हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर से, करेक्ट। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1, और नीचे में sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा, आपके पास जो बचेगा वो बचेगा sec थीटा प्लस 1 बाई sec थीटा माइनस 1। देखो यूजुअली आंसर यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए, लेकिन लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ पे RHS देखना है, RHS किस में दिया हुआ है, cos थीटा में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है समझ ही गए होंगे कि sec थीटा को आपको cos थीटा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो sec थीटा जो है वो क्या हो जाएगा 1 by cos थीटा, ठीक है, sec थीटा क्या हो जाएगा 1 by cos थीटा, और यहाँ पे प्लस 1 है डिवाइडेड बाई 1 by cos थीटा माइनस 1, करेक्ट। देखो 1 by cos थीटा प्लस 1 को अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो cos थीटा आ जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा 1 plus cos थीटा, और नीचे वाले का अगर हम लोग एलसीएम ले तो सेम थिंग cos थीटा आएगा, और ये हो जाएगा 1 minus cos थीटा, ये cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बच गया 1 plus cos थीटा by 1 minus cos थीटा, 1 plus cos थीटा by 1 minus cos थीटा, यही आपको RHS में प्रूफ करना था। तो आपने समझ में आ गया, आपको आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, क्या वो आपको डेस्टिनेशन देगा या नहीं देगा। जैसे हमें यहाँ पे sec थीटा प्लस 1 में sec थीटा माइनस 1 मिल गया था, लेकिन अगर RHS हमको नहीं पता होता कि cos थीटा इसमें कन्वर्ट करना है तो हम लोग कभी नहीं आ पाते, तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका जो डायरेक्शन है वो सही है या नहीं है, ठीक है। सो ये आपका सम आप कॉपी डाउन कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से कहता है कि cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos 64 डिग्री इनटू sin 26 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री बाय cot 54 डिग्री का वैल्यू निकालना है हम लोगों, तो ये कैसे करेंगे अपने। तो सबसे पहले cos स्क्वायर 26 को वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, क्यों रहने देंगे आपको सम्स करते हुए पता चल जाएगा, यहाँ पे cos 64 है इसको हम लोग को साइन में कन्वर्ट करना है, क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 24 64 होता है, 90 माइनस 26 64 होता है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा sin 26 डिग्री, ठीक है, और इस तरफ है प्लस tan 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, समझ में आ गया, tan 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cot 54 डिग्री, अंडरस्टूड। नाउ cos स्क्वायर 26 का कुछ कर नहीं सकते, ये हो जाएगा, तो अपना जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हो जाएगा cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos 90 माइनस 26 हो जाएगा sin 26 डिग्री इनटू sin 26 डिग्री प्लस ये हो जाएगा cot 54 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 54 डिग्री, ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो अपना हो जाएगा cos स्क्वायर 26 प्लस sin स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cot 54 और cot 54 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपको 1, ठीक है।
अब आपको पता है cos square 26 plus sin square 26 1 होता है और यहाँ पे 1 है तो 1 plus 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका आंसर हुआ। कोई हार्ड नहीं, इतना सम बताने के बाद इसमें आपको हार्डशिप नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी सम हुआ ये। इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ cos को sin में कन्वर्ट किया आपने और tan को cot में कन्वर्ट किया, खुद ब खुद आंसर चला आया। ठीक है, सो ये अपना 2012 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो सम आएगा अपना वो 2011 पे बेस्ड आएगा। सो गाइस, हम लोग का जो नेक्स्ट सम है वो 2011 पे, जैसे कि हमने कहा था आपको, 2011 पे बेस्ड है। ये जो सम है इसमें प्रूव करना है आपको कि cos a k minus sin a into sec a minus cos a into sec square a is equal to tan a, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, सो हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले LHS लिखेंगे। LHS क्या है? cos a k minus sin a into sec a माइनस कॉस ए इंटू sec स्क्वायर ए। cos a को sin a में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई sin a माइनस sin a इंटू, ये cos a में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई cos a माइनस cos a। ठीक है, और इंटू में sec स्क्वायर a। इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे हो जाएगा sin a और हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे हो जाएगा cos a, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a। अब 1 माइनस sin स्क्वायर a हम सबको पता ही होता है cos स्क्वायर a by sin a into 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा sin स्क्वायर a by cos a into में क्या है sec स्क्वायर a, करेक्ट। अब देखो cos a का a पूरा और ये खत्म, sin a का ये और ये खत्म, आपके पास बच क्या गया cos a into sin a, understood, और into में sec square a, ये चीज बचा अपने पास। ठीक है, अब क्या करना है, sec square a को cos a में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा cos a into sin a by cos square a। ठीक है, इसका एक और इसका एक खत्म, आपके पास जो बचा वो बचा sin a by cos a और sin a by cos a सब जानता है ये होता है tan a जो कि RHS है। ठीक है, इस सम में फिर से कुछ नहीं था, सिर्फ क्या करना था अपने को, जो tan sec cosec ये सब को क्या करना था अपने को, sin और cos में कन्वर्ट करना था, जैसे हमने कन्वर्ट किया आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 2011 का क्वेश्चन था। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में sin 35 into cos 55 plus cos 35 into sin 55 by cos x square 10 minus tan square 80 है और इसको आपको मतलब वैल्यू इसका निकालना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। यहां पे sin 35 जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको वैसे ही रहने देंगे, उसके बगल वाला जो cos 55 है उसको चेंज करेंगे sin में, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, करेक्ट, प्लस cos 35 डिग्री जो है, cos 35 डिग्री जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको वैसे ही रहने देते हुए sin को कन्वर्ट करेंगे cos में, तो sin 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस 35 55 होता है, अंडरस्टूड, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 10 को, cos स्क्वायर 10 को, ठीक है, अपने क्या करेंगे cos स्क्वायर 90 माइनस 80 करेंगे। ठीक है, cos स्क्वायर 90 माइनस 80 करेंगे माइनस tan स्क्वायर 80, करेक्ट। नाउ sin 35 into sin 35 into cos 90 माइनस 35 होता है sin 35, करेक्ट, प्लस सेम थिंग cos 35 into cos 35 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 80 माइनस tan स्क्वायर 80, दिस इज नथिंग बट sin स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 35 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर 80 माइनस tan स्क्वायर 80, दैट इज 1, एंड sin स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 35 इज आल्सो 1, सो दिस इज 1, तो वैल्यू इज 1। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, आराम सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हम लोग क्या किए
एक तरफ साइन में पूरा का पूरा चीज कन्वर्ट किए, एक तरफ कॉस में कन्वर्ट किए, और नीचे वाला पार्ट को किसी एक कॉम को कन्वर्ट कर लिए। तो क्या हुआ, वन बाय वन आंसर आ गया और अपना आंसर आ चुका। ठीक है, सो गाइस अपना जो क्वेश्चन है आज का वो है 2008 का। अभी का ये जो क्वेश्चन है 2008 में आया हुआ एसएससी क्वेश्चन। ठीक है, कहता ये है कि साइन ए बाई वन प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस कॉट ए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो एलएचएस कॉपी डाउन करना है, एलएचएस कॉपी डाउन करेंगे अपने साइन ए बाई वन प्लस कॉस ए, और इस मोमेंट पे अपने को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज हम आपको बताए थे साइन ए इंटू वन माइनस कॉस ए हो जाएगा, और नीचे में 1 प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो साइन ए इंटू वन माइनस कॉस ए को हम लोग वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो साइन ए इंटू वन माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट। वाई, बिकॉज दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करना है अपने को कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और ऊपर में साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए ऑलरेडी है, साइन स्क्वायर ए का एक और साइन ए पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। अब हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए 1 बाई साइन ए हो जाएगा, माइनस कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा। तो 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, अपना कॉस ए हो जाएगा, और कॉस ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। क्लियर, तो ये जो चीज है ये अपना आरएचएस हो गया। इस सम को करते वक्त क्या कि पहला ही चीज, पहला स्टेप जो था बहुत जरूरी था वो था रैशनलाइजेशन। जैसे हमने रैशनलाइज किया, ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट 1 माइनस कॉस ए और नीचे वाला पार्ट साइन स्क्वायर ए बन गया। जैसे ही साइन स्क्वायर ए बनते हैं ऊपर नीचे कैंसिल आउट होते ही 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए बनते ही, हम क्या किया, स्प्लिट करने के बाद 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए दैट इज नथिंग बट कॉस ए के माइनस कॉट ए। सो आज का अपना जो वीडियो है यहाँ पे फिनिश होता है, आज का ये लास्ट सब था, और इसी के साथ हमारा अपना ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन खत्म होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं ताकि उसका सलूशन हम आपको दे सकें। प्लस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, जितना लाइक मिलता है उतना हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम लोग आपके लिए नया नया वीडियो ला सकें। सो थैंक यू गाइज़।